जिस तरीके से जो पंजाब के अंदर बठिंडा में हुआ, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर जो चूक हुआ, लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, क्या उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए और मौके को सब कुछ देखते हुए वो वापस यू टर्न लेके और वापस वह एयरपोर्ट पे पहुँच गए। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ अजमेर दरगाह कमेटी की जानिब से देश के प्रधानमंत्री के लिए जो ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखते हैं, जो हर साल उर्सों के अंदर वो अपनी चादर और फूल पेश करवाते हैं अफशान चिश्ती जी की वकालत में, तो आज हम उनकी सलामती और उनकी सेहत के लिए आज खैरे के लिए दुआ करने आए। और जिस तरीके से जो पंजाब के अंदर हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? तो हम ये आज देश के प्रधानमंत्री जी के सलामती के लिए और सेहत के लिए यहाँ दुआए खैर गरीब नवाज की बारगाह में करने आए और यहाँ हमने हाजिरी दी है। आपका नाम और पद बताइए। मुनव्वर खां, नायब सरदार दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, भारत सरकार। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी साहब की सलामती के लिए आज हमने हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर दुआ की, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। जिस तरह से दिन रात वो हमारे देश की हिफाजत में लगे रहते हैं, इसीलिए हमने आज हुजूर बारगाह गरीब नवाज में उनकी हिफाजत के लिए दुआ करी। जिस तरह से पंजाब में जो घटनाक्रम घटित हुआ, उस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे वहाँ के कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। पीएम के काफिले को रोककर जिस तरह की हरकत वहाँ पर की गई, यकीनन वो उनकी उस वक्त उनकी जान को ख़तरा बढ़ चुका था, लेकिन पीएम ने हमारे बहुत समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए अपना जो काफिला था उसको वापस घुमा लिया एयरपोर्ट की तरफ, जिससे किसी किस्म का किसी को भी नुकसान ना हो, यहाँ तक कि जो वहाँ किसान बैठे थे उनकी भी फिक्र करी। तो ऐसे प्रधानमंत्री को सभी की फिक्र करना और सभी की सलाह करना, जब हम सबके सामने घटना आई, हमने सबका दिल और हमने उनकी हम सबको उनकी फिक्र भी, तो आज हमने बारगाह है गरीब नवाज, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि हिंदुस्तान की सल्तनत उसी को मिलती है जिसको गरीब नवाज चाहते हैं, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। तो हमने हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हमारे देश के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सेहतयाबी के लिए, सलामती के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। इस मौके पर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मुनव्वर खान साहब, हमारे भाजपा अजमेर के मोर्चा अध्यक्ष शफीक खान साहब, हमारे दरगाह खुदाम मुनव्वर चिश्ती साहब, वज़ीर चिश्ती साहब और तमाम हाजरीन और ज़ायरीन गरीब नवाज के आशिकीन यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही हमने जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की भी सेहत और सलामती के लिए दुआ करी। जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर अकलियत के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे दिलों में बहुत गहरी जगह है, और उस जगह को देखते हुए हमने बारगाह गरीब नवाज में उनकी भी सेहत सलामती में दुआ